परमेश्वर की धन्यवाद। फिर एक बार मिलकर परमेश्वर को महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर एक अच्छा सा अवसर हम सबों के जीवन में परमेश्वर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में से हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग कलीसिया के बारे में हम लोग देख रहे थे। कलीसिया के सदस्यों का नामीकरण के हिसाब से भाइयों का नाम, नहीं तो भाइयों का शब्द कलीसिया को प्रयोग किया हुआ हिसाब से हम लोग पढ़ के आ रहे थे। तो आज भी सुबह उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, परमेश्वर के वचन से देखेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, द बुक ऑफ एज्रा चैप्टर 3:2, एज्रा के किताब 3 उसकी 2 वचन, द बुक ऑफ एज्रा चैप्टर 3:2, एज्रा के किताब 3 उसकी 2 वचन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और सालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। आमेन, प्रेज गॉड। यहाँ पे देख सकते हैं 2 कैटेगरी के लोग, एक यशुआ और उनके भाइयों और जरुब्बाबेल और उनके भाइयों, दोनों 2 कैटेगरी के लोग हैं। जो यशुआ है वो महापुरोहित है और जरुब्बाबेल जो है वो एक गवर्नर है, मगर दोनों भी परमेश्वर के भक्त हैं, दोनों भी परमेश्वर के विश्वासी हैं। एज्रा के किताब लिखने वाले अनुभव में इसराइलियों पूरी क्या है, दूसरी राजाओं के, नहीं तो साइरस बोलकर जो राजा है उसके नीचे ये लोग को क्या किया गया है, पकड़ के लेकर गया है। उस परिस्थिति में इनका आराधना, इनकी परमेश्वर की सन्निधि में अर्पण करने वाली बलि अर्पण सब कुछ को क्या कर दिए, दूसरे राजाओं ने बंद करके स्टॉप करके रख दिए। उस समय में दो भाव मैंने क्या परमेश्वर के संगति के कितने भाइयों मिलकर क्या किए, परमेश्वर के सन्निधि में आत्मिक चीजों की गुरुतीकरण, नहीं तो आत्मिक चीजों को करने के लिए मन में क्या किए, एक निर्णय लिए। इसलिए यहां बताया गया अनुभव में देख सके, ये दोनों 2 प्रकार के ऑफिस हैंडल करते हैं, एक जरुब्बाबेल जो है वो गवर्नर है, दूसरा जो यशुआ है वो कौन है, वो याजक है। दो ऑफिस के लोग हैं, मगर एक परमेश्वर को सेवा करने वाले, एक परमेश्वर की महिमा करने वाले, नहीं तो एक परमेश्वर के भाई। हेलो, तो इधर बताया गया अनुभव में हम देख सकते हैं ये भाइयां मिलकर क्या किए, नहीं तो आत्मिक रीति से बंधा हुआ ये ब्रदर्स क्या किए, आत्मिक चीज को उठाने की कोशिश किए। इसलिए आज सुबह मैं बोलना चाहता हूं, जब हमारे परिस्थिति के विरोध, आराधना का विरोध ना होते वक्त, नहीं तो आराधना ना करने वाली स्थिति में, नहीं तो प्रार्थना के लिए अवसर ना होने वाली स्थिति में, आत्मिक रीति से खड़े होने वाले कितने भाइयों कलीसिया के अंदर ऐसी परिस्थिति में खड़ा होना जरूरी है। हेलो, जब परिस्थितियां अच्छी होती है तब परमेश्वर को आराधना करना नहीं, जब परिस्थितियां है ही नहीं तभी भी परमेश्वर को आराधना करने के हिसाब से भाइयां तैयार बनने रहना चाहिए। वो है भाइयों का श्रेष्ठ धन, वही है परमेश्वर के कलीसिया के योग्यवान वाले जो नामीकरण किया गया, भाइयों को जो नाम दिया गया, पद प्रयोग दिया गया है। तेरा ऑफिस कौन सा भी होने से, तू याजक होने से भी, तू गवर्नर होने से भी, तू कलीसिया का सदस्य होने से भी, तू कलीसिया में एक साधारण व्यक्ति होने से भी, आराधना का मैटर में नहीं तो आत्मिक चीज में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, नेवर बी कॉम्प्रोमाइज विथ स्पिरिचुअल एंटिटीज। बाकी इसराइली पूरा जबकि सूख गए, आत्मिक रीति से पूरी तरीके से ड्राई हो गए, क्यों, उनका मंदिर तोड़ दिया गया, उनकी आराधना विचारों को तोड़ दिया गया, उनका परमेश्वर की व्यवस्थाओं को उनसे हटा दिया गया। लोगों को कैदी बना के रख देते वक्त लोग परमेश्वर को भूलने के लिए शुरू किए। उस परिस्थिति में दो कितने झुंड, हेलो, परमेश्वर के साथ मिले हुए कितने झुंड ब्रदर्स भाइयां मिलकर क्या किए, उसकी दूसरी वचन क्या पर बोल रही है देखेंगे फिर एक बार। तब योसादार के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर, हेलो, क्या कर कमर बांधकर, हेलो, कमर क्यों बांधते हैं,
किसी काम करने के लिए लोग क्या करते हैं, कमर में बांधते हैं। क्यों? कमर में बांधने पर क्या होती है जनता, जो व्यक्ति साधारण काम जो करता है उससे दुगनी तरीके से कमर में बांध आने से कर सकती है, क्योंकि मनुष्य जीवित है पेट के लिए। मगर पेट में जब एक बंद एक 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 जोरों का एक कट्टी बंधन जब पड़ जाता है, वो व्यक्ति दुगनी शक्ति से काम करने वाली अनुभव। इसीलिए ये लोग भाइयाँ, नहीं तो परमेश्वर के कलीसिया के योग्यवान, नहीं तो परमेश्वर के आत्मिक तौर पर खड़े हुए लोग क्या किए, जब आत्मिकता लोगों की ड्राई हो गई थी, तब वो लोग अपना कमर बांध कर परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार। हेलो, हम अगर आत्मिक लोग हैं, हमारे कमर में एक बंधन की जरूरत है। वो बंधन परमेश्वर की सेवकाई की बढ़ोतरी देने के लिए होनी जरूरी है, नहीं तो आत्मिक चीजों को प्रोत्साहन करने के लिए, नहीं तो आत्मिक चीज को बढ़ोतरी दिलवाने के लिए ऐसी एक परिस्थिति जहां लाना जरूरी है। सब कैदी बनते वक्त ये दो लोग, ये दो किस्म के लोग, दो ऑफिसर्स हैंडल करने वाले लोग आत्मिक चीज को कॉन्सेंट्रेट करके क्या किए, अपने कमर को बांधा और क्या करना शुरू किए, काम करना शुरू किए। हेलो, जब तक कमर नहीं बांधते तब तक हमारा काम का शुरुआत ही नहीं हो सकती। इसलिए ये लोग काम करने के लिए कमर बांधे। कमर बांधने के बाद ये लोग क्या किए, भाइयों समेत कमर बांधकर इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाने की। हेलो, इज़राइल के परमेश्वर के लिए क्या बनाए, बलि वेदी, आल्टर बनाए। हेलो, यहाँ पे क्या दिखाने वाले, अरे जब परमेश्वर के लिए आराधना करने के लिए मंदिर है ही नहीं, मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ दिया, क्या कर दिए, विजाती राजाओं आकर क्या कर दिए, पहले मंदिर को तोड़ दिया, आराधना को तोड़ दिए, आत्मिकता को निचोड़ डाल दिए। तब ये आत्मिक लोग, नहीं तो कलीसिया के योग्यवान, नहीं तो परमेश्वर को बुलाने वाले झुंड, आत्मिक रीति से बुलाए जाने वाले भाइयों, ऑफिसर्स अलग होने पर भी जो ईजी है उसको वो लोग पहले किए। मंदिर बनाना ईजी है, बलिवेदी बनाना ईजी है। मंदिर बनाने के लिए बहुत साले लगेंगे, बहुत समय लगेगा, मगर बलिवेदी बनाने के लिए बहुत समय की जरूरत नहीं। कुछ चंदर चंद पत्थर है, 12 पत्थर लेकर रखे, उसके ऊपर लकड़ी वकड़ी डालकर क्या कर सके, बलि अर्पण कर सकते हैं, बलिवेदी तैयार। आज के जैसे सीमेंट की बलिवेदी किचन, उन जमानों में पत्थरों में से भी ये लोग क्या करते, बलिवेदियां करते। तो ये लोग का देखो, ये लोग का आत्मिक अनुभव थोड़ा देख के देखो। अरे मंदिर बनाने के लिए सालों लगेंगे, मगर इंस्टेंटली अभी आराधना करने के लिए क्या मैं कर सकता हूँ, उस हिस्से के लिए वो लोग क्या किए, कुछ चंद पत्थरों को लेकर बलिवेदी बनाकर अपना आत्मिकता को दिखाने की कोशिश किए। बलिवेदी काय के लिए, मनुष्य की आराधना? नो, वो तो आराधना के लिए है। बलिवेदी इसके लिए ताकि पाप का पहचान दिखाने के लिए। हेलो, क्योंकि ये परिस्थिति इसराइलियों को क्यों आया, कहीं ना कहीं रुका हुआ कुछ ना कुछ पाप, उसके लिए प्रायश्चित की जरूरत है, उसके लिए कौन चाहिए, एक बलि वस्तु की जरूरत है, बलि अर्पण किया जाने वाले एक वस्तु की जरूरत है। वो ये चीज क्या कर सकती है, पाप की उधारी दे सकते हैं। उन जमानों में बलि अर्पण करने के लिए वो लोग क्या करते थे, जीवित पशु को क्या करते थे, बलि अर्पण करते थे। उस बलि अर्पण करने के द्वारा उनके जीवन में किया गया रहस्य पाप है, नहीं तो ना जाने किया हुआ पाप का प्रायश्चित मिलता था क्या, कहां पे, बलिवेदी के ऊपर। हेलो, वो है आत्मिक सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस स्टार्ट्स व्हेन यू हैव ए कॉन्शियसनेस अबाउट सिन, पाप के बारे में तेरे को एक अवगाहन जब होती है तब तेरे जीवन में शुरुआत होती है आत्मिक दौर की। आत्मिकता का शुरुआत कहाँ होती है, जब पाप के लिए कुछ ना कुछ एक सुझाव, एक डाइवर्सिफिकेशन, एक मोड जब ला सकते हैं, तब से शुरू होता है क्या, आत्मिकता, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। इसीलिए ये लोग क्या किए, पहले बलिवेदी बनाने से पहले आत्मिक चीज को गुरुत्व करने के हिसाब से
पाप के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू फॉर सिन। हेलो, इसलिए वो लोग मंदिर नहीं बनाए, पहले क्या बनाए, बलिवेदी बनाए, क्योंकि उनको मालूम है मंदिर बनाने से पहले हमें शुद्धिकरण की जरूरत है, पाप से मुक्ति की जरूरत है, पाप की माफी जरूरत है, पाप से उद्धारी जरूरत है। तो ही वहीं से वो अगर क्लियर हुआ तो ही हमारा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस शुरू होता है, आत्मिकता की शुरुआत हो सकती है, नहीं तो आत्मिक रिस्टोरेशन हो सकता है। क्या आत्मिक विचार है इनकी, आज के कलीसिया को यही जरूरत है, आज के भाइयों को यही जरूरत है। क्या वी नीड टू बी कंसिडरिंग व्हाट कॉस्ड अस टू ब्रेक अवर सिली स्पिरिचुअल लाइफ, जो चीज हमारे आत्मिक चीज को तोड़ डाला, उस चीज को क्या करना चाहिए, बलिवेदी के ऊपर चढ़ाना चाहिए, पुट इट ऑन द अल्टर बिफोर गॉड। इसीलिए यीशु मसीह क्या किए, यीशु मसीह कालवरी के क्रूस के ऊपर बलिवेदी के ऊपर चढ़े क्यों, ताकि पाप के विषय में क्या हो सके, द एंड हो सके, सो दैट देयर कैन बी द एंड फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिन। हेलो, इसीलिए हमें बलिवेदी की जरूरत है, सख्त जरूरत है। उस बलि वेदी पर पड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा ही हमें क्या मिलती है, पापों से उद्धारी, छुटकारा, रिहाई। तो यीशु मसीह एक ऑप्शन नहीं है, यीशु मसीह आखिरी चॉइस है। जो जाति के, जो धर्म के, जो व्यक्ति गोरा काला कैसा भी हो, जो कोई भी हो, उसका लास्ट चॉइस है जीसस, यीशु मसीह। यीशु मसीह के निकट आकर तेरे पाप को बलि अर्पण के समान यीशु मसीह के सामने अगर दे सकते हो, तो देयर स्टार्ट्स योर स्पिरिचुअल लाइफ, वहीं से तेरी आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है, तेरी जीवन की आत्मिक जीवन की शुरुआती, तेरी आत्मिक तौर को आगे बढ़ोतरी देने के लिए यू हैव टू बी अंडर द अल्टर ऑफ गॉड। इसीलिए ये लोग क्या किए, वो लोग परमेश्वर के लिए बलिवेदी बनाए, बलिवेदी बनाए क्यों, क्योंकि उनको मालूम था पाप ही ऐसा एक चीज है जो उनको क्या किया, आत्मिक चीजों से उनको अलग कर दिया, उस चीज के बारे में दे हार्ड है कंसर्न। व्हाट इज द थिंग दैट इज कंसर्निंग यू द मोस्ट, कौन सा ऐसा चीज है जो तुम्हें बहुत कंसर्न दिलाती है। आत्मिक लोगों को वी शुड बी कंसर्न दैट हम कभी भी पाप को अवसर ना दे। अगर पाप का अवसर आ भी गया, स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन गॉड, परमेश्वर के ऊपर आश्रय करना शुरू करो, कालवरी के उस सूली के ऊपर, उस सूली के नीचे आने की कोशिश करो। यीशु की लहू, यीशु की खून आज भी बह रही है, हमें मुक्ति दिला सकती है, हमें माफी दिला सकती है, हमें रिहाई दिला सकती है, कम बिफोर द अल्टर। इसलिए वचन की घोषणा होने के बाद आखिरी में अल्टर कॉल दिया जाता है, देयर इज एन अल्टर कॉल। क्यों, ताकि लोगों को क्या कर सके, फिर से यीशु मसीह के साथ डिपेंडेंट होने के लिए, आश्रयवान होने के लिए, नहीं तो अपने पाप को प्रायश्चित पाने के लिए, सूली के नीचे आने के लिए एक अवसर दिलाने वाली अवसर। इसीलिए ये लोग क्या किए, जरुबाबेल और यशुआ मिलकर क्या किए, उनके भाइयों के साथ मिलकर आत्मिक चीज को इन्फ्लुएंस दिलाना शुरू किए। लोगों के लोग ड्राई हो गए थे, आत्मिक चीज में पूरी तरीके से सूख गए थे, उस परिस्थिति में ये लोग, कुछ लोग आत्मिक लोग मिलकर भाई बनकर क्या किए, आत्मिक चीज को गुरुत्वीकरण देने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए वो लोग क्या किए, बलिवेदी बनाए। बलिवेदी बनाकर वो लोग क्या किए, बलिया बर्नट ऑफरिंग है ना। बलिवेदी बनाने के बाद क्या किया लिखा गया, देखो एक बार, भाइयों समेत कमर पार कर इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया बनाया बलि चढ़ाए, क्या किए, बलि चढ़ाए,
कि उस पे होम बलि चढ़ाए, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। हेलो, जैसे कि वचन के मूसा के व्यवस्था में लिखा गया है, उस हिसाब से ये लोग क्या किए, बलि बलि बलि। प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक चीज है, मूसा के व्यवस्था में लिखा गया अनुभव में, बलि वेदी में जो आग है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। सुबह शाम बलि अर्पण देना जरूरी है। किसके हिसाब से? मूसा के व्यवस्था की गई हिसाब से। इसीलिए प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आज सुबह के समय मैं एक ही चीज आप लोगों को याद दिला सकता हूं, आत्मिक चीज की शुरुआत कहां से हो सकती है? यीशु मसीह से शुरुआत होती है, और उस शुरुआती दौर आगे लेने के लिए परमेश्वर की वचन उपलब्ध है हमारे लिए, और बलि वेदी के ऊपर यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। उसकी शरीर से बहती हुई उस खून की लहू, खून की धारा हमें आत्मिक तौर पर आगे दिलवा सकती है। इसलिए ये लोग कैसा बलि चढ़ाने के लिए प्रस्तुत मन हो गए। हेलो, जीसस। उसके बाद उसकी तीसरी वचन अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं, तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया क्योंकि उन्हें उस और के देशों के लोगों का भय रहा। हेलो, देश का क्यों भय है? क्योंकि उनको मालूम है जहां उनकी आराधना की शैली को बंद करके शैतान रख दिया है, उसी स्थान पर भयहीन होकर आराधना करने के लिए, आत्मिकता को खड़ा करने के लिए, आत्मिक लोगों को तैयार करने के लिए कुछ भाइयों क्या किए, प्रस्तुत हुए। हेलो, शैतान हमारे जीवन में किस चीज में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है? हमारे आराधना में वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। हेलो, शैतान एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में किस चीज में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है? आराधना। आराधना तोड़ने के लिए जो जो कुछ भी काम करना है वो करेगा। इसीलिए ना यीशु के निकट शैतान आकर क्या बोला, अगर तू परमेश्वर का संतान है तो मुझे एक बार क्या कर, दंडवत कर, आराधना कर। हेलो, शैतान का टारगेट आत्मिक लोगों की आराधना के ऊपर है। अगर आराधना के हिस्सा में कुछ भी वो डाइवर्शन ला सका, उसका आत्मिकता से आत्मिकता को गिरा सकता है। हेलो, आराधना में थोड़ा चेंज ला दिया, फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह को ही आराधना करना चाहिए, किसी और को नहीं। मगर आज लोग सूली को आराधना करते हैं, हर जगह सूली, गाड़ी पे सूली, घर पे सूली, छाती पे सूली, पैंट पे सूली, हर जगह सूली। यीशु को छोड़कर वो लोग किसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? यीशु मसीह को छोड़कर उनका कॉन्सेंट्रेशन कहां चले गया? सूली के ऊपर। बाइबल कहता है सूली पर चढ़ा जो है वो शापग्रस्त है। अरे शापग्रस्त का वो चिन्ह है क्या, तेरे को मुक्ति दिलाया? अरे सूली को मत देख, सूली पर लटका हुआ यीशु को देख। शैतान क्या कर दिया, यीशु से तुम्हें सूली पर कॉन्सेंट्रेट करवाने के हिसाब से तेरा मन को मोड़ दिया। हेलो, और कितने लोगों को यीशु मसीह की बचपना जरूरत है, बच्चा यीशु चाहिए सबको, बहुत सारे लोगों को नन्ना यीशु। क्यों? बड़े यीशु होंगे तो हमारा पाप को दिखाएंगे, नन्ना इशू होंगे तो हमारा पाप दिखाएंगे नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को नन्ना इशू काफी है। क्या किया, असली इशू से तुम्हें कहां लेके आ गया, नन्ने इशू पर लेकर तुम्हें डाइवर्ट कर दिया शैतान। और कितने लोगों को मरियम, यूसुफ, और कितने लोगों को भक्त, सेंट्स,
और कितने लोगों को पत्रस, और कितने लोगों को याजकत्व, और कितने लोगों को और क्या 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 चीज। अरे वो हमारा आराधना की शैली को क्या करता है, शैतान डाइवर्ट कर रहा है। इसीलिए बाइबल कहती है स्टार्ट नोइंग इट पर्सनली होम टू वर्शिप, किसे आराधना करना चाहिए किसे आराधना नहीं करनी चाहिए, उस चीज के बारे में हमें क्या होना चाहिए। आत्मिक व्यक्ति को एक सिग्निफिकेंस होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव ए नॉलेज ऑफ व्हाट टू वर्शिप यू कैन नॉट वर्शिप। अगर तुझे असली चीज को आराधना करने को मालूम ही नहीं है, जो भी चीज मिला तू सबको आराधना करेगा। इसलिए बाइबल कहती है आराधना के योग कौन है, केवल यीशु मसीह। यीशु मसीह के सिवाय और कोई नहीं आराधना के योग। इसलिए ये भाइयों मिलकर क्या किए, यीशु मसीह की व्यवस्था को मानकर वो लोग क्या किए, आराधना यीशु मसीह को किए। कैसे, बलि अर्पण करके। इट्स एन वर्शिप। हेलो, बलिवेदी में क्या की, किसकी जरूरत, आग की जरूरत है, फायर। बलिवेदी में क्या, किसकी जरूरत है, बलि वस्तु की जरूरत है। बलि वस्तु को क्या किया जाता, उसकी पूरी तरीके से क्या किया, काट, सर काट कर और वेस्ट चीजों को निकाल कर, माने पेट के अंदर की जो वेस्ट वेस्ट चीजें सबको निकालने के बाद उसको क्या किया जाता, अच्छी तरीके से धोने के बाद उसका चमड़ा निकालने के, चमड़ा निकालने के बाद इसे क्या करते, कट करके कहां पर रखता है, बलि वेदी के ऊपर रखकर आग लगाया दिया जाता है। फायर, फायर ऑन द फ्लैश। हेलो, पाप का रिहाई होने से काफी नहीं है, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतरना है। हेलो, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा की आग जब तक उतरेगा नहीं, चर्बी क्या नहीं होगी, फ्लैश क्या नहीं होगी, बर्न नहीं होगा। इसलिए वो लोग क्या किए, मूसा के व्यवस्था के हिसाब से जो चीज बंद हो गई थी उसको वो लोग शुरुआत किए। इसलिए मैं आज सुबह के समय में बोलता हूं, जो चीज को शैतान ने बंद करके रख दिया उस चीज को आत्मिक लोग खोलने का दर्शन आने वाले लोग खड़े होना चाहिए कलीसिया में। ऐसे लोगों की जरूरत है। What Satan stopped? There should be people who are God's people, who are brothers in the church. They should reopen it back. अगर if you cannot reopen what Satan closed, you cannot be called the church. जब तक तू शैतान जिस चीज को बंद करके रखा उसको तू खोल नहीं पाएगा तो तू कभी कलीसिया का योग्यवान नहीं, तू कलीसिया का सदस्य है ही नहीं। इसीलिए राइट नाउ मैं अभी डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम है, जो चीजों को शैतान बंद कर दिया उसको खोलने की तत्व परमेश्वर हमारे अंदर दे। लेट गॉड गिव अस द विजडम टू ओपन ऑल द चैनल्स व्हिच सैटन क्लोज्ड, व्हिच सैटन ब्लॉक्ड इट, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम है, खोलने के लिए तैयार। ऐसे कलीसिया के सदस्यों को तैयार कीजिए। हो सकता है वो जरुबाबेल के जैसे गवर्नर, हो सकता है वो यशुआ के जैसे महायाजक, ऐसे लोगों को परमेश्वर निकालिए। ब्रिंग इट आउट सच पीपल फ्रॉम द चर्च, फ्रॉम विद इन द चर्च। हेलो, ये लोगों के ये लोग सोचे नहीं, दे डिड नॉट थिंक अबाउट द पीपल, they were not concerned about the people. उनको मालूम है ये करने पर उनकी जान भी जा सकती है, even though they are not worried. They knew if they do this they can get killed. वो लोग को मालूम था ये करने पर उनकी मौत भी हो सकता है, पगर भी वो परवाह नहीं किए। They started स्पिरिचुअल एक्टिविटी, वो लोग आत्मिक चीजों की शुरुआत की है। इसके लिए आज के सुबह के समय मैं परमेश्वर के वचन के सामने घोषणा करके बोलने वाले एक ही चीज, व्हेन एवरीथिंग इज बीन क्लोज, जब सब कुछ बंद ही पड़ा हुआ है, तब जब सब कुछ सूखा पड़ा हुआ, व्हेन एवरीथिंग इज ड्राई एंड इनवैलिड, स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल एंटिटीज। आत्मिक चीजों में गुरुत्व देना शुरू करो, बलि अर्पण पर, बलि आग पर आने की कोशिश करो, स्टार्ट फोकसिंग ऑन जीसस।
यीशु मसीह के ऊपर फोकस करना शुरू करो। तेरी आत्मिक जीवन की शुरुआत, तेरी आत्मिक सिग्निफिकेंस की शुरुआत यीशु मसीह से शुरुआत हो सकती है। उसके द्वारा क्या हो सकता है, देश में एक उद्धारी हो सकता है। देर कैन बी ए रिस्टोरेशन इन द प्लेस वेर यू लिव। हेलो, इसीलिए उसी अध्याय में देख सकते हैं कितने वचन में, उसकी 11वां वचन में अगर देख सकते हैं तो, सॉरी 10वां वचन, जब राज एज़रा चैप्टर 3:10। हाँ, तब जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली तब अपने वेट व्हेन द बिल्डर्स हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ द टेंपल। कब? जब वहां के काम करने वाले लोग टूटा हुआ मंदिर का क्या किए, फाउंडेशन डालना शुरू किए। अरे फाउंडेशन डालना है तो पहले आत्मिक इन्फ्लुएंस आना चाहिए। हेलो, अगर तेरे अंदर आत्मिक तत्व है नहीं तू कभी भी कलीसिया का फाउंडेशन डाल नहीं सकता। If you do not have a spiritual significance inside of you, you cannot lay the foundation of the temple. Hello. Hallelujah. इसराइलियों का मंदिर को तोड़ दिया गया था, मगर आत्मिक रीति से, आत्मिक तौर पर कितने लोग, कितने भाइयों आत्मिक तीर पर आत्मिकता से बढ़ोतरी पाते ही उनका नेक्स्ट कॉन्सर्न का क्या था, मंदिर बनाना जरूरी है। We need a temple which represents our king, which represents our Lord. ऐसा एक मंदिर की जरूरत है जो हमारा परमेश्वर को याद दिला सकते हैं। हेलो 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 हेलो, ये लोग क्या करना शुरू किए? हाँ, आजकल के लोग आत्मिकता कुछ नहीं है मगर मंदिर के लिए क्या फाउंडेशन डालना शुरू किए। नो, स्टॉप सच नॉनसेंस। जब तक पाप की शुद्धिकरण नहीं होती, जब तक वचन की अनुसार कलीसिया नहीं चलती, जब तक पवित्र आत्मा की बढ़ोतरी कलीसिया के अंदर आती नहीं, डोंट ले फाउंडेशन फॉर द टेम्पल। कलीसिया के लिए फाउंडेशन मत बनाओ। कलीसिया के लिए फाउंडेशन बनाना छोटा चीज नहीं है। हेलो, वो आत्मिक तौर पर बहुत गुरुत्व वाला एक चीज है। प्रेज़ यू जीसस। इसीलिए ये लोग क्या किए, जो चीज बंद हो गई थी उसी चीज को ये लोग शुरुआती करने का हिसाब से लोगों को तैयार किया। वो है ब्रदर्स क्वालिटी, चर्च के सदस्यों का क्वालिटी ऐसा होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द चर्च शुड बी Reviving the church back to worship God. मैंने कलीसिया को फिर एक बार क्या करना, उत्तेजित करना फिर से परमेश्वर को आराधना करने के लिए, फिर से परमेश्वर को महिमा करने के लिए, फिर से परमेश्वर के लिए मंदिर खड़ा करने के लिए, फिर से आराधना की शैली वापस लाने के लिए। ऐसे आत्मिक रिवाइवल लाने वाले कलीसिया के मेंबर्स होना जरूरी है। अगर कलीसिया के सदस्य ही मरे पड़े लोग हैं तो कलीसिया भी मरे ही पड़े रहेगा। हेलो, इसलिए यहां तीसरा अध्याय उसकी दूसरी वचन में देख सकते हैं, आत्मिक तौर पर रुके कितने भाइयों मिलकर इसराइलियों को क्या किया, पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनर्वार परमेश्वर का निकट लाने के लिए, आत्मिकता उनके अंदर बढ़ोतरी दिलवाने के हिसाब से वो लोग क्या किए, कलीसिया का सदस्य बनकर, कलीसिया के भाइयों बनकर आत्मिक चीजों को लोगों के अंदर क्या किया, डेवलप करवाया। If you are a member of a church, start focusing on people. Start focusing on people's spiritual entities. लोगों की आत्मिक तत्व को उठाने की, बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर आत्मिक जागरण लाने के हिसाब से भाइयां क्या करना चाहिए, आत्मिक तौर पर रहना चाहिए। If you are not spiritual, you cannot revive a dry people.
अगर तेरे अंदर आत्मिकता है ही नहीं तो तू सूखा एक व्यक्ति को कभी भी आत्मिकता में ला नहीं सकता। हेलो, सूखापन को दूर करने के लिए ही यीशु मसीह क्या किए, कालवरी के क्रूस के ऊपर बलिया के हिसाब से मरे, सो दैट योर ड्राइनेस कैन लीव यू, तेरे अंदर की सूखापन तुझे छोड़ जा सकती है। हेलो, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है वो समृद्धि का जीवन पा सकता है। Whoever believe in me, they will receive the joy of abundance, the life of abundance. हेलो, समृद्धि का जीवन। नहीं तो एक और शब्द का प्रयोग ऐसा कर सकते हैं, ना बंद होने वाली झरना, अनस्टॉपेबल रिवर। परमेश्वर कभी स्टॉप नहीं कर सकते, तुम स्टॉप कर सकते हो, यू कैन स्टॉप दैट रिवर। योर विकेडनेस कैन स्टॉप इट, योर फूलिशनेस कैन स्टॉप इट, योर सिन कैन स्टॉप दैट। तेरे पाप उसको बंद कर सकता है कौन? परमेश्वर की जीवन झरना। हेलो, अबंडेंस इन लाइफ, समृद्धि का जीवन। ऐसे जरुबाबेल के जैसे है और जशैया के जैसे, यशुआ के जैसे आत्मिक लोग भाई बनकर कलीसिया के अंदर जरूरी है इस जमाने में। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम देखते हैं पहली कुरिन्थिया का किताब, पहली अध्याय उसकी दूसरी वचन, द बुक ऑफ फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 1 वर्स 2। प्रेज़ यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। सॉरी, उसके पहला वचन, माफ करना, उसका एक का एक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई स्तोथिनेस की ओर से। देखा ना, उधर दो व्यक्तियों के नाम लिखा गया, एक पौलुस, दूसरा सोस्तिनियोस लिखा है। yes. वो दोनों कौन थे? भाई थे, मगर दोनों दो ऑफिसर्स कैटेगरी करते थे। पाउल कौन था? प्रेरित था। ओके, yes. और सोस्तिनियोस कौन था? सिनेगोग के एक लीडर थे। मगर दोनों क्या थे? भाइयां थे। हेलो, दोनों क्या थे? भाइयां थे। इसको और भी अच्छी तरीके से जानने के लिए प्रेरितों का किताब 18वां अध्याय 17वां वचन। प्रेरितों का किताब 18वां अध्याय 17वां वचन। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनियस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा। हाँ। परंतु गल्लियों ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। हाँ। इसके बाद उसका 8वां वचन भी, 18 प्रेरितों 18 का 8। तब आराधनालय के सरदार की कुछ ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। देखा ना, उधर भी लिखा है ना, सोस्थिनियोस के बारे में लिखा है कि नहीं? हेलो, क्रिस्पस, हाँ लिखा है क्रिस्पस के बारे में। हाँ, क्रिस्पस कौन है? बोले नहीं, आराधनालय का सरदार। हाँ, अब उसके 18वां वचन। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर
कृपया में से इसलिए सिर मुंडवाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी और जहाज अठारह 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 सॉरी सत्रह 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 सॉरी तब सब लोगों ने आराधना के सरदार टोकिनियस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा। देखा ना क्यों न्याय आसन के सामने उसको मारा? उसके ऊपरी वचन पढ़ के देखो। परंतु यदि यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो। देखो ना व्यवस्था के बारे में ये लोग बात करते वक्त कौन परमेश्वर के दास कौन पाउल उसके 12वां वचन पढ़ते हैं तो देख सकते हैं। जब गल्लियों की अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ाए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे। हाँ। यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ही ऐसी रीति से करे जो व्यवस्था के विपरीत है। व्यवस्था के विपरीत है। उसके बाद हाँ जब पौलुस बोलने पर ही था तो गलियों ने यहूदियों से कहा कि यहूदियों यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता। हाँ, परंतु यदि यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो। देखा ना पौलुस ने परमेश्वर के वचन की घोषणा करने पर क्या किया जानते हो ना? पौलुस को जो मार पड़नी थी वो किसको पड़ गए? सोस्थानस को पड़ गई। हेलो हालेलुया। वचन घोषणा किसने किया? पौलुस ने किया। सपोर्ट किसने किया? सोस्थानस ने किया। मार किसको पड़ी? सोस्थानस को पड़ी। इसलिए पौलुस पहली कुरिन्थियों पहली अध्याय पहले वचन में बोलता है क्यों जो सोस्थानस है वो कौन था? वो से कलीसिया के बड़े सदस्य सिनेगोग के बड़े एक सदस्य थे मगर परमेश्वर के दास के लिए मार खाने के लिए भी वो क्या कहा तैयार मन था। हेलो हेलो कैसे लोग हैं आजकल के कलीसिया में? आजकल के कोई भी किसी के लिए मार खाने के लिए तैयार नहीं मगर सोस्थेनोस क्या कर रहा है? पास्टर जी के लिए मार खाने के लिए तक वो क्या हुआ तैयार बना क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा था किसको? पौलुस को। क्योंकि पौलुस जो परमेश्वर की वचन की सच्चाई बोल रहे थे सच्चाई को सपोर्ट करने के लिए मार भी खाना पड़ा तो हम कलीसिया के सदस्य के भाई होने पर मार खाने के लिए भी तैयार होना है। हेलो हेलो इसीलिए कुरिन्थी के कलीसिया को बता रहे हैं हमारे दो दोस्त हमारे भाई सोस्थेनोस जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो परमेश्वर के इच्छाओं को सफलीकरण करते हुए उसने क्या किया कलीसिया के लिए बहुत त्याग सहायक व्यक्ति है। परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तैयार बना हुआ व्यक्ति क्यों परमेश्वर के लिए मार खाने के लिए भी तैयार हुआ जैसा भाई। हेलो पिछले दिन कितने केरल में हुआ एक व्यक्ति एक परमेश्वर के दास रोड पर खड़े होकर माइक में है परमेश्वर के वचन घोषणा कर रहे थे और बहुत सारे सुसमाचार के विरोधी लोग आकर क्या किए उसको पीट दिए। पीट देने के बाद इनको इतना जोर से पीट दिए कि वो और उठ भी नहीं पाए। तुरंत उधर के गांव के लोग क्या किए उधर के एरिया के लोग क्या किए उनको पानी वानी पिलवाए। पिलवाने के बाद बोले कहाँ आपको लेके जाना है तो वो बोले नहीं मेरे को घर तक छोड़ दीजिए उतना काफ़ी है और पास्टर जी को ऑटो में बिठा कर घर तक छोड़ दिए। घर छोड़ देने के बाद उसने क्या किया परमेश्वर के दर सन्निधि में बैठकर बोला परमेश्वर मैं तेरी सेवकाई कर मेरे गाँव में मैंने मार खाया है परमेश्वर क्यों ऐसा हुआ मुझे कुछ सहायता दीजिए बोलकर प्रार्थना कर रहे थे। तो उनके मन के अंदर एक इच्छा हुआ उसने क्या किया जानते हो ना उस देश में जो हाथी हाथी को ये लोग क्या करते हैं लकड़ी उठाने के लिए यूज करते हैं उस देश में केरल में
तो हाथी को जो लालन पोषण करता है उस व्यक्ति के निकट जाकर बात किया, बोला एक दिन हाथी को अगर काम के लिए लेते हैं तो कितना रुपए लगता है? तो उसने बोला 2000 रुपए और लकड़ी के हिसाब से होगा वेट, पैसा लकड़ी के हिसाब से होगा। तो ये पासर जी बोले ठीक है, 60 किलो का चीज़ है, एक आदमी है। तो बोला ठीक है 2000 रुपए ओके बोलकर ये पादरी साहब ने क्या किया, एक संडे के दिन चर्च में घोषणा कर दी कि मंडे के दिन संडे के कलीसिया के बाद जिस जगह पे मुझे मार मिली वहीं पर जाकर मैं सुसमाचार बोलना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने एक एक हाथी को क्या किया, रेंट लिया है, आप लोग सब आके आना। कलीसिया के सब मिलकर गए, गाना वाना गाए, गाना गाकर जाते वक्त ये हाथी को क्या हो गया, जोरों सा एक चीख लगाया, चीख लगाते ही जो गाना गाने के लिए आए थे विश्वासी लोग सब घर को निकल भाग गए, खाली पास्टर जी अकेले रुक गए। पास्टर जी क्या किया, हाथी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किए, परमेश्वर हाथी को बनाया हुआ निर्माण किया हुआ परमेश्वर इसकी मुंह को बोलती को बंद करके रखो परमेश्वर, मेरे जो तेरे जो मकसद है उस मकसद को पूरा करने के लिए इस हाथी को तू उपयोग कर, प्रार्थना किया और हाथी के ऊपर बैठ गया। बैठ कर पूरा 8 जगहों पर ये क्या किया, वचन खड़ा वचन बोलना शुरू किया। 8वां जगह वहाँ पे थी जहाँ पे ये मार खाई था, मार खाए थे वहाँ पे, उस जगह पे आकर खड़े होकर बोल इसने क्या किया, जोरों से चिल्ला कर बोला अब यहाँ पे किसी को दम है तो मुझे मारो, मारने के लिए दम है तो ऊपर आ जाओ, मैं हाथी के ऊपर बैठा हूँ, तेरे को अगर दम है, जान है, जीवन है, ऊपर आ, मार के दिखा। 1 घंटा अच्छी तरीके से वचन बोल दिया, कोई भी आया नहीं मारने के लिए। हेलो, तब एक चीज पता चल गया पादरी साहब को, नीचे है तो ये लोग मारने के लिए आएंगे, हाथी के ऊपर बैठ के आएंगे तो कोई मारने के लिए क्या, एक कुछ बोलने के लिए नहीं। तो पास्टर जी का आखिरी गवाही क्या था जानते हो ना, हाथी के ऊपर बैठकर सुसमाचार बोलने का फायदा क्या जानते हो ना, हाथी को खाना मिला, मुझे आत्मिकता मिली, मुझे आत्मिक खुशी मिली। हेलो हेलो, कलीसिया के यो भाई लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए मार खाने के लिए तैयार। अब दूसरी कोरिंथी 1 अध्याय 1 वचन, दूसरी कोरिंथी 1 अध्याय उसका 1 वचन, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है और भाई तिमोथियस की ओर से। देखो यहाँ पे क्या, तिमोथी और पौलुस, पौलुस प्रेरित है, तिमोथी कौन है, कलीसिया के एक असिस्टेंट पास्टर, नहीं तो एक इवेंजलिस्ट, पहले उसका जीवनचर्या इवेंजलिस्ट था, उसके बाद वो पौलुस के साथ घूमते घूमते सेवकाई सीखते सीखते क्या किया, वो कौन बन गया, एक पास्टर बन गया, इवेंजलिस्ट से पास्टर। हेलो, वो है भाईचारा, बाइबल में कहा भाइयों मिलकर परमेश्वर परमेश्वर के सन्निधि में एक मन होना कितना मनोहर कितना अच्छा। क्यों, तिमोथी पौलुस के साथ मिलकर आत्मिक चीजों का इन्फ्लुएंस पाकर, आत्मिक चीजों में बढ़ोतरी पाकर, इवेंजलिस्ट से एक कलीसिया को बढ़ाने के लिए, एक कलीसिया को चलाने के लिए, एक कलीसिया को सिखाने के लिए, एक कलीसिया को गाइडेंस कर लेने के हिसाब से उसके अंदर में क्या किया, आत्मिकता की परिवर्तन, अभिषेक की परिवर्तन, वचन की गहराई का परिवर्तन आ सका। वो है भाईचारा, वो है ब्रदर, ब्रदरहुड। आजकल के जमाने में कुचल डालने वाले अभिषेक है लोगों को। हेलो, लोगों को क्या करेंगे, कुचल डालेंगे। कैसे कुचल डाल देंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से वचन बोलना आ गया, थोड़ा अच्छी तरीके से गाना आ गया, थोड़ा अच्छी तरीके से प्रार्थना कर रहे, ऐसे लोगों को क्या करते हैं, कुचल डालने वाले भाइयों पैदा हो गए हैं कलीसिया के अंदर, और उनके लिए एक पद प्रयोग है, तेरा अंदर शैतान भर गया है, तू शैतान से बंधा है, तू शैतानिक शक्तियों के अंदर पीड़ित है। क्या बोल रहे हैं लोग,
अरे भाई का सदस्य, भाई का आत्मिक रीति से भाई को कलीसिया के अंदर योगदान क्यों दिया? ताकि लोगों को आत्मिक चीजों में बढ़ोतरी दिलवाने के लिए। इसीलिए पौलुस क्या करता है, तिमोथी को साथ लेकर, हेलो चर्च में बॉस मत बनो, डोंट बी ए बॉस इनसाइड द चर्च, डोंट एक्ट एज ए बॉस। चर्च के अंदर पादरी साहब एक बॉस मत बनो, बी ए गुड लीडर, अच्छा एक लीडर बनो, ताकि लोगों को आत्मिक रीति से जागरण दे सकते, आत्मिक रीति से प्रोत्साहन दे सके, आत्मिक रीति से बढ़ोतरी दे सके, आत्मिक रीति से अभिषेक में बढ़ोतरी ला सके, प्रार्थना की शैली में बढ़ोतरी ला सके, आत्मिक चर्या में बढ़ोतरी पाने के हिसाब से उसको डेवलप कर सके। तिमोथी एक छोटा लड़का था, एक टीनेजर था, एक टीनेजर एक बुड्ढे के हाथ पड़ने से क्या हो सकता है, आत्मिक बुड्ढे के हाथ में। पौलुस तब तक की बुजुर्ग हो गया था, थोड़ा बहुत तो बुजुर्ग हो गया था, नहीं तो आत्मिक परिपक्वता पाया हुआ एक व्यक्ति था पौलुस। उसके हाथ में एक छोटा सा युवक, नहीं तो एक टीनेजर मिलने पर उसको क्या किया, एक पास्टर के हिसाब से तैयार कर रखा, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उसे एक पास्टर के समान क्या किया, अनॉइंट करके तैयार करके रखा। और पौलुस के अंदर जो कुछ भी आत्मिक मैच्योरिटी थी उन सब चीजों को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफरिंग इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक अच्छा परमेश्वर का भाई, एक अच्छा परमेश्वर का सेवक है, क्या करना चाहिए, परमेश्वर के जो मिला क्वालिटी ही शुड ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर तू बॉस बन के रहेगा, यू कैन नॉट ट्रांसफर एनीथिंग। हेलो, अगर कलीसिया के अंदर तू बॉस बॉस बन के रहेगा, मैं मालिक मालिक मालिक, कुछ तेरे को ट्रांसफर करने के लिए है ही नहीं। इसीलिए मूसा ने क्या किया, अपने साथ यशुआ को हरदम साथ में ले जाता था, यशुआ हरदम साथ में रहता, क्योंकि यशुआ को मालूम है मूसा तो अभी बुजुर्ग हो सके, 80 साल का है, 90 साल का है, कल नहीं तो परसों नहीं तो कभी ना कभी उसकी मौत हो सकती है। इसीलिए उससे पहले ही मूसा ने क्या किया, यशुआ को तैयार बना के रखा, क्यों, ताकि अगले एक जनरेशन में क्या कर सकते, मूसा का स्थान, मूसा का जो लीडरशिप क्या कर सके, यशुआ के जैसे लोग क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते। इसलिए यशुआ, यशुआ के किताब में क्या बोल, मैं और मेरा परिवार इस जीवित परमेश्वर को क्या करेंगे, सेवा आराधना करेंगे, तेरी परमेश्वर, तेरा परिवार तू क्या करेगा मुझे नहीं मालूम, मैं और मेरा परिवार, आई एंड माई फैमिली विल सर्व द लिविंग गॉड। मैं और मेरा परिवार, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कौन है, क्योंकि आई एम अंडर ए लीडरशिप ऑफ ए सच ए पर्सन, मैं ऐसा एक व्यक्ति के निकट, एक ऐसा एक व्यक्ति के नीचे लीडरशिप पाया हूं, हु वॉज फेलोशिप विद गॉड, हु हैड ए फेलोशिप विद गॉड, जो कि परमेश्वर के साथ संगति मनाया था, जो परमेश्वर की अभिषेक में परिपूर्ण था, उसकी अभिषेक की परिपूर्णता किसके ऊपर भी गिर गई, यशुआ के ऊपर भी गिर गई, वो था भाईचारा। हेलो, चर्च के अंदर बॉस बॉस, मास्टर मास्टर मत खेलो, स्टॉप दैट फिल्थी थिंग, ऐसी घिनौनी चीजों को बंद करो, वी शुड बी ब्रदर्स इनसाइड द चर्च, खाली चर्च के अंदर ही नहीं बाहर भी भाइयां बन कर रहे हैं, ताकि हमें क्या कर सकें, दूसरे एक जनरेशन के लिए, दूसरा एक युग के लिए एक 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 व्यक्ति को तैयार कर रख सकते। हेलो, एलिया और एलिशा की जो वो सेवकाई का देखो, वो भाईचारा को देखो, नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए, नेक्स्ट 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 पीढ़ी को देने के लिए कुछ ना कुछ तेरे हाथ में रहना जरूरी है, वो तेरी आत्मिकता होनी चाहिए, वो तेरी अभिषेक की पूर्णता होनी चाहिए। इसीलिए आज परमेश्वर के वचन में कैन यू गिव योर डबल पोर्शन टू द पर्सन हु इज बीन फॉलोइंग यू, जो तेरे पीछे पीछे सीखने के लिए आ रहा है, उसको तू तेरा दुगनी आशी आ, 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 तेरी तेरी दुगनी अभिषेक को, एनॉइंटिंग को दे सकता है क्या, मल्टीप्लाइंग एनॉइंटिंग।
इसीलिए परमेश्वर के दास स्वर्गाहरण होने से पहले क्या बोल रहे हैं, तुझे क्या चाहिए? तो वो तुरंत बोले, मुझे दुगनी शक्ति चाहिए, आई नीड डबल अनॉइंटिंग। हेलो, इफ यू नीड डबल अनॉइंटिंग, बी समबडीज डिसाइपल, किसी की चेले जब तक नहीं बनोगे तब तक दुगनी आशी, तो दुगनी क्या नहीं मिलेगी, अनॉइंटिंग नहीं मिलेगी। अगर तेरे को आत्मिक तौर पर बढ़ोतरी देने वाला मैच्योर पर्सन है ही नहीं, इफ यू डोंट हैव ए मैच्योर पर्सन इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, यू डोंट इवन रिसीव द डबल अनॉइंटिंग। लोग सरपटक के दुगनी आशीष, दुगनी अभिषेक बोल के फायदा नहीं। बी अंडर समबडीज लीडरशिप, लर्न फ्रॉम समबडीज लीडरशिप, किसी की लीडरशिप के नीचे रुक कर सीखो। पॉल तिमोथी को सिखा क्या रहा है, मैंने इतने मार क्यों खाए, मैंने इतने बार जेल में क्यों गया, मैंने इतने सताव में से क्यों गया, ताकि मैं क्या कर सकूं, दूसरों को तैयार कर सकूं। इसलिए मैं पौलुस का, इसलिए पत्रस तिमोथी को बी एक्ट लाइक एन इवेंजलिस्ट। हेलो, नेक्स्ट जनरेशन के लिए तिमोथी को क्या किया, तैयार करवाया। हेलो, इसलिए उसकी उसका पहला वचन में क्या कहा गया, एक और बार पढ़ के देखते हैं, दूसरा अध्याय पहला वचन, पौलुस की ओर से, हाँ, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमोथियस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो तुरंत में है, और सारे अखिया के सब पवित्र लोगों के नाम। देखो ये बुक, ये दूसरी कुरिंथिया लिखते वक्त पौलुस अपना नाम ही नहीं तिमोथी का नाम भी ऐड कर रहा है। हेलो, तिमोथी का नाम क्यों ऐड किया, बिना पैसों के ही ये काम कर रहा था, किसके लिए, पौलुस के लिए। आज का जमाना ऐसा बन गया, पैसा है तो ही किसी का लीडर, पैसा है तो कितना भी चाटेंगे, जितना शू हो शू को चाटेंगे, जितना मनुष्य को हो मनुष्य को चाटेंगे, वो सिस्टम है ही नहीं, वो मानुषिक चिंताधारा है। नहीं तो अन्य जाति के लोग ऐसा करते हैं, इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में जीतने के लिए लोगों को कहा कितना अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, वो बिब्लिकल सिस्टम में है ही नहीं। तिमोथी कुछ ना आशा करके किसके पीछे चल रहा है, पौलुस के पीछे, नहीं तो पौलुस की सेवकाई सीख रहा है। सीखने पर अच्छे लीडरशिप के क्वालिटी में रुका हुआ पौलुस क्या कर रहा है, तिमोथी के नाम भी ऐड कर रहा है। तिमोथी के नाम, ठीक है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही लिखा गया, नो बोल के मैं नहीं बोलता हूं, हर वचन पवित्र आत्मा के द्वारा ही तो लिखा गया है, आया ना। तो परमेश्वर को भी पसंद था कि तिमोथी का नाम ऐड कर दिया जाना है। हेलो, व्हेन यू आर स्पिरिचुअली इक्विप्ड एंड मैच्योर, डोंट फॉरगेट योर ब्रदर्स। जब तू आत्मिक तौर पर मैच्योर और आशीष बन गया, अपने आत्मिक भाइयों को भूला कर मत, डोंट फॉरगेट योर ब्रदर, डोंट फॉरगेट द पीपल हु आर रेज्ड अंडर योर लीडरशिप। तेरे लीडरशिप के नीचे जो कोई भी पले बड़े हुए हैं उनको भूलो मत, दे नीड सम कंसिडरेशन, उनको कुछ कंसिडरेशन की जरूरत है, क्योंकि आज तेरी मौत हो भी गई, कल वही है तेरी सेवकाई की जो दुगनी आशीष दुगनी अभिषेक है उससे दुगनी तरीके से सेवकाई कर सके। किसी की मौत कभी भी हो सकती है, आया ना। इसीलिए रेनार्ड बोंको, इवेंजलिस्ट रेनार्ड बोंको, उनकी मौत होने से पहले ही उसने क्या किया, अपनी सेवकाई को
ऐसे एक व्यक्ति के हाथ में समर्पण कर दिया। कौन? डेविड कोलैंडर, सॉरी डैनियल कोलैंडर। कब? 17 साल का एक लड़का, उसको क्या किया? डेवलप करके लेके आया। 17 साल का एक लड़का प्रार्थना के लिए परमेश्वर के दास के निकट आए। कहाँ? अफ्रीका के एक मीटिंग में। मीटिंग में आकर प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के आत्मा उसको चेतावनी दी, यही वो व्यक्ति है। ही इज दैट पर्सन। टीच हिम, इक्विप हिम, ग्रो हिम इन द स्पिरिट। आत्मिक तौर पर इसे बढ़ोतरी दे। इसलिए क्या किया परमेश्वर के दास, इसको क्या किए? गोद में ले लिए, अपने हाथ में ले लिए, और अब सेवकाई के साथ लेना शुरू किए। तो सेवकाई क्या हुआ? देव हमारे परमेश्वर के दास रेनर्ड बोंको की मौत हो गई। मौत होने से पहले ही उसने क्या किया? दूसरे एक व्यक्ति के हाथ में अपना दुगनी अभिषेक को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। ही गेव हिज डबल पोर्शन अनॉइंटिंग, डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। रेनर्ड बोंके के ऊपर जो चादर पड़ी थी, उसे चादर की दुगनी शक्ति किसको दे दिया? डैनियल कोलैंडो को दे दिया। आज भी सेवकाई चल रहा है। वो है स्पिरिचुअल ब्रदरहुड, वो है आत्मिक भाईचारा। इसलिए आज सुबह के समय परमेश्वर के सन्निधि में इस भाईचारों को बहुत गुरुत्व रीति से हमें याद करना जरूरी है। आंखें बंद करते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय तेरे वचनों से हमने देखा परमेश्वर, विविध ऑफिसों समूह, विविध कोलीग्स होने पर भी, विविध सेवकाई का हिस्सा होने पर भी, परमेश्वर याजक बनकर यशुआ और गवर्नर बनकर जरुबाबेल दोनों मिलकर परमेश्वर के लिए आत्मिक तौर पर कलीसिया को प्रस्तुत किया, लोगों को जागरण दिलवाया। ऐसे हमें भी तैयार कर परमेश्वर, पौलुस और सोस्थनेस के जैसे परमेश्वर, जैसे कलीसिया के लिए क्लेश भोग करने के लिए भी तैयार मने हुए जैसा प्रस्तुत कीजिए। पौलुस और तिमोथी के हिसाब परमेश्वर, सेकंड एक जनरेशन को तैयार करने के हिसाब से भाइयों को इक्विप करने की एक अभिषेक और क्षमता हमारे अंदर दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर के वचनों के हिसाब से कलीसिया में बढ़ोतरी पाके आने के लिए हमें सहायता दीजिए। आज की वचन हमें परमेश्वर की आत्मा से हमें बात किया, इसीलिए धन्यवाद। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन।